Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing great. डार्क अंडरआर्म्स सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए. वो इस वजह से वो अपने ऐसे स्लीवलेस ड्रेस हो गई या फिर स्लीवलेस टॉप हो गया, बट डार्क अंडरआर्म्स की वजह से हम उनको मतलब वेयर नहीं कर पाते हैं. सो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि हमको डार्क अंडरआर्म्स होते किस वजह से, मतलब उसके क्या क्या रीजन होते हैं. फर्स्ट रीजन आता है कि आप शायद यूज कर रहे हो एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, वो क्रीम हो सकती है, वो डिओड्रेंट्स हो सकते हैं और कोई अदर प्रोडक्ट भी हो सकता है. ऑल्सो काफी सारा प्रोडक्ट के अंदर केमिकल भी होता है, तो इस वजह से क्या होता है जब आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो स्किन काफी ज्यादा डार्क होनी शुरू हो जाती है. ऑल्सो ये हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है. इट्स ट्रू कि स्मोक करने से भी आपके अंडरआर्म्स डार्क हो सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करना. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट होम रेमेडी आती है मिल्क एंड हनी. हनी एंड मिल्क जो होते हैं वो दोनों नरिश और मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं. सो मिल्क स्किन को एक्सफोलिएट करता है और फिर स्किन सॉफ्ट एंड क्लियर रहती है. हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो डर्ट को अच्छे से रिमूव कर देता है स्किन पे से और ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. फर्स्ट आपको लेना है 2-3 टेबल स्पून ऑफ हनी. आपको इक्वल अमाउंट लेना है मिल्क का. प्रॉपर पेस्ट बनाए और उसको अप्लाई करें अपने आर्मपिट्स पर 10-15 मिनट के लिए, फिर आप उसको रहने दें. सेकेंड आता है पोटैटो. पोटैटो के अंदर पोटेशियम, मिनरल्स, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सारे ही न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं डार्क स्पॉट को रिमूव करने में, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्किन. स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और स्किन हो जाती है क्लीन एंड क्लियर. तो पोटैटो के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि वो एंटी एजिंग साइन को रिमूव करने में हेल्प करता है. आपको पोटैटो को लेना है और उसको थिन स्लाइस में आपको बस कट कर लेना है. देन आपको 5-7 मिनट के लिए अंडर आर्म्स पर इसको अच्छे से मसाज करना है. उसके बाद प्लेन वाटर की हेल्प से अच्छे से इसको वॉश करें और इसको आप हफ्ते में यूज कर सकते हैं 2-3 बार. थर्ड आता है कोकोनट ऑयल. जब डार्क पिट्स को रिमूव करने की बात आती है तो अंडरआर्म से मॉइस्चराइजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. कोकोनट ऑयल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जिसके अंदर होता है विटामिन ई जो कि डार्क एरिया को लाइटन करने में हेल्प करता है. सो कोकोनट ऑयल काफी ज्यादा लाइट होता है और इजिली पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में, हाइड्रेट करता है स्किन को, अच्छे से रिमूव करता है डर्ट एंड जम्स को. फर्स्ट आपको 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लेना है, मसाज करना अंडरआर्म्स पर अच्छे से, एंड देन आप इसको जब तक मसाज करें जब तक स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता. आता है टर्मरिक एंड मिल्क. सो टर्मरिक हेल्प करता है स्किन कलर को लाइटन करने में और स्किन काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है. सो टर्मरिक एक गुड क्लींजर है, स्किन को हेल्दी एंड ब्राइट बनाता है. दूसरी तरफ आता है कि मिल्क एक ग्रेट एक्सफोलिएटर है जो कि हेल्प करता है रिड ऑफ एनी फ्री रेडिकल, ऑल्सो नरिश करता है एरिया को. 1 टीस्पून आपको टर्मरिक लेना है एंड 1 टेबलस्पून आपको मिल्क लेना है. अप्लाई करें अपने अंडरआर्म्स एरिया पर, इसको रहने दें, फिर आप 10-15 मिनट के लिए वॉश करें इसको आप प्लेन वाटर से. दो टेबलस्पून आपको ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी एंड 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करें लेमन जूस एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड देन इसको अच्छे से मिक्स करें. अप्लाई करें अपने अंडरआर्म्स पर 10-15 मिनट के लिए रहने दें एंड देन वॉश करें. मुल्तानी मिट्टी कूल डाउन करती है इरिटेट स्किन और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है. इट ऑल्सो हेल्प इवन आउट द स्किन टोन ऑफ योर अंडरआर्म्स. लेमन लाइटन करता है अंडर आर्म्स को और ब्राइटन करता है स्किन एंड डिक्रीज करता है बॉडी ऑडर बाय किलिंग द बैक्टीरिया दैट कॉजेज इट. सो ये आपके साथ मैंने कुछ इजी सी होम रेमेडीज शेयर करी और ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं. काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में हमको रिजल्ट देखने को मिलता है. होम रेमेडीज यूजुअली ज्यादा टाइम लेती हैं और जब अंडर आर्म्स की बात आती है तो ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है, बट जब आप इसके ऊपर कंसिस्टेंस रहते हैं तो आपको काफी अच्छा डिफरेंस नजर आता है मंथ में. मतलब आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल यूज नहीं करनी है होम रेमेडीज को, आप सिंपली इसको हफ्ते में 2-3 बार उनको यूज कर सकते हैं. होम रेमेडीज में कोई आप एक चूज कर सकते हैं और किसी भी होम रेमेडीज को यूज करने से पहले उसका पेस्ट टेस्ट आप अच्छे से जरूर करें कि एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हो सकता है काफी सारे लोगों को ये सूट नहीं करें. बोनस टिप्स डार्क अंडरआर्म्स होम रेमेडीज. सो अंडरआर्म स्किन इज अ सेंसिटिव एरिया एंड प्रोन टू एक्सेस ऑयल एंड स्वेट. सो रिड्यूस करें ऐसे अल्कोहल डिओड्रेंट्स को और स्प्रे को, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं नॉन अल्कोहल स्प्रे एंड डिओड्रेंट्स, एंड अप्लाई करें गुड सनस्क्रीन डेली. यूज करें एलोवेरा जेल पैक को टू कूलिंग डाउन द एरिया, गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट.
आप ज़्यादा टाइट फिटेड क्लोथ को वेयर करते हैं तो प्लीज़ आप उनको अवॉइड करें समर के टाइम पर, क्योंकि जितने आप टाइट फिटेड क्लोथ को वेयर करेंगे फिर वो एयर पास नहीं हो पाती है, अंडरआर्म्स में से भी काफ़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से अंडरआर्म्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होने शुरू होते हैं। आप लूज फिटेड क्लोथ को ही वेयर करें मतलब समर के टाइम पर। सो आप रेजर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। इससे पहले भी मैंने जितनी वीडियो बनाई है मैं ज़्यादातर पहले रेजर यूज़ करती थी और उसने मेरे अंडरआर्म्स को बहुत ज़्यादा डार्क बना दिया था। फिलहाल तो अभी इतने नहीं हैं बट तब उस टाइम अंडरआर्म्स डार्क हो गए थे, तो मैंने बिल्कुल ही अब स्किप कर दिया रेजर को, उसकी जगह मैं वैक्सिंग करती हूँ। और आप सिंपली वैक्सिंग भी कर सकते हैं या फिर एक वैक्स पाउडर आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से अगर आप कोई होम रेमेडीज यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद आप सिंपली कोकोनट ऑयल को अप्लाई करें। जैसे कि हमारी नानी हो गई, दादी माँ हो गई, तो वो हमें बताती थी कि कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा रहता है मतलब स्किन की जितनी डार्कनेस होती है उसको रिमूव करने में, तो कोकोनट ऑयल को आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी वीडियो एंड होती है। ये थी कुछ होम रेमेडीज जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। मुझे कमेंट में जरूर बताने कि आप कौन से होम रेमेडी को यूज करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।